हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से रिव्यू चैनल पर। और आज मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग कर रही हूँ स्लीप वेल माई पिलो क्लाउड का। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस तरह का पिलो जो है वो सबसे अच्छा होता है, कंफर्ट लेवल से भी और हेल्थ लेवल से भी। कौन सा पिलो हमें परचेज़ करना चाहिए, अगर आप एज ए कम्फर्ट लेना चाहते हो तो कौन सा पिलो आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा पिलो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट मैं आपको इसका रिव्यू दे दूं स्लीपवेल के इस पिलो का। ये पिलो मैंने ख़रीदा है 649 रुपीज़ में, जो कि मुझे कम करने के बाद लगभग 600 में एक पिलो मिला है। और इसे मैंने स्लीपवेल के शोरूम से ख़रीदा है। ये पिलो जो है आपको डिज़ायर्ड नेक सपोर्ट देता है, साथ साथ ये माइक्रो फाइबर का बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप तकिया अपने लिए परचेस करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये तकिया जो किस चीज़ से बना हुआ है। ये तकिया तो माइक्रो फाइबर का बना हुआ है, कुछ तकिया PU फॉर्म का बना हुआ होता है और कुछ जो है मेमोरी फॉर्म का बना हुआ होता है और कुछ जो है माइक्रो फॉर्म का बना हुआ होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगी कौन अच्छा होता है और किस पर्पज़ से कौन वाला अच्छा होता है। तो ये पिलो मुझे मिला है 600 रुपीज़ का, 649 इसका MRP है। और अमेज़न पे इसका रेट लगभग 620-640 कुछ में आएगा, आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने ये परचेज़ किया है लो राइज पिलो। ये दो तरह में आते हैं, लो राइज और हाई राइज। हाई राइज पिलो बहुत ही मोटा और बहुत ही फ्लफ़ी सा, जिसे आप कडल करके आराम से सो सकते हो, उस तरह का वो पिलो होता है। और लो राइज जो है वो नॉर्मल पिलो होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और अगर आप इस चीज़ से परचेज़ करना चाहते हैं कि कंफर्ट आपको मिले तो ये पिलो ठीक है, लेकिन अगर आप हेल्थ वाइज ये पिलो ख़रीद रहे हो तो ये उतना हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके शोल्डर या नेक में पेन होता है तो ये पिलो आपको नहीं हेल्प करने वाला है, नॉर्मल सा पिलो है। नेक और शोल्डर को सपोर्ट देने के लिए आप मेमोरी फॉर्म का पिलो ख़रीदें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके नेक या शोल्डर में दर्द होता है तो मेमोरी फॉर्म का पिलो आपको बहुत राहत देने वाला है। उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 1500-1600 में एक पिलो आती है। पेयर में ख़रीदोगे तो 3000 में भी मिल सकती है, या एक पिलो भी आपको 3000 में मिल सकता है अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी वाली है तो। और दूसरा एक और तकिया होता है, पिलो होता है, वो PU फॉर्म का बना हुआ होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आप कम दाम में कुछ तकिया अच्छा सा लेना चाहते हो तो आप PU फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा भी अच्छा नहीं होता है। तो कंफर्ट आपको देखना है तो आप ये माइक्रो फाइबर का पिलो ले सकते हो, जो आपको बहुत ही कोज़ी और अच्छा सा आपको आराम सा लगेगा। लेकिन आपको अगर दर्द होता है तो उसमें वो हेल्प नहीं करने वाला है। आपको दर्द को ठीक करना है या अपने नेक को एक अच्छा सा सपोर्ट देना है तो आप मेमोरी फॉर्म का ही पिल्लो ख़रीदें। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे एक हफ़्ता यूज़ करने के बाद ये पिल्लो जो है नॉर्मल सी ही लगी, सॉफ्ट बहुत है। मैं इसको 3 out of 5 दूंगी, सॉफ्ट बहुत है। लेकिन आपको अगर नेक या आपको शोल्डर में थोड़ा भी दर्द है तो उसमें ये कुछ भी हेल्प करने वाली नहीं है। कोज़ी है, सॉफ्ट है और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक अच्छा सा एक तकिया लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं तो आपको कहूँगी कि मेमोरी फॉर्म का ही पिल्लो ख़रीदें, जो कि ज़्यादा पैसा लगता है। अगर कम दाम में अच्छा तकिया लेना चाहते हो तो ये वाला पिल्लो बहुत अच्छा है। PU फॉर्म का पिल्लो जो है बहुत ही लो रेट में आता है, लेकिन वो आपको कंफर्ट भी उतना नहीं देने वाला है और साथ साथ आपको हेल्थ वाइज भी वो अच्छा नहीं होता है। तो ये बात रही इन सारी पिल्लो की। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पिल्लो परचेज़ करना चाहते हो। अगर और भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है इस तकिए के बारे में, इस पिल्लो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरा वीडियो कैसे लगा वो भी बता सकते हैं। अच्छा या बुरा बोलने में रुकिएगा नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ बाय बाय।